विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर तथा राज्यसभा सांसद पवन वर्मा के नाम गायब है। जेडीयू में प्रशांत किशोर व पवन वर्मा कुछ समय से हाशिए पर चल रहे हैं। इस बीच अपने बयानों के कारण वे बीजेपी तथा जेडीयू के नेताओं की आंखों की किरकिरी भी बनते रहे हैं। इस बीच मंगलवार को पवन वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिल्ली में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन पर नाराजगी जताई है, साथ ही इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वही बता दें आपको कि दिल्ली के जेडीयू के दिल्ली चुनाव के पार्टी प्रभारी संजय झा ने कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची जरूरत के मुताबिक बनाई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इनमें पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी सहित कई बड़े नाम शामिल है। सूची में अशोक चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, वही बता दें आपको कि सुनील कुमार पिंटू आदि के नाम भी शामिल हैं। बताते चले आपको कि सूची से गायब प्रमुख नामों में प्रशांत किशोर व पवन वर्मा है। दोनों बीते कुछ समय से जेडीयू की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। उन्होंने सीए और एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ बयान दिए, जबकि जेडीयू इनमें से सीए का संसद में समर्थन कर चुका है। इसे लेकर प्रशांत किशोर व पवन वर्मा की पार्टी के अंदर भी आलोचना हुई। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।